हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये सीरीज़ ना केवल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बल्कि दूसरे सभी एग्ज़ाम जैसे SSC, NDA, CDS, NABARD, इन सभी के लिए हाईली यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं कोर वर्ड्स ले रहा हूँ, जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो कोर वर्ड्स हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, आपका पैराजम्पल में, क्लोज टेस्ट में कॉमनली पूछे जाते हैं, और जिन वर्ड्स की नॉलेज आपको होना चाहिए, तो इन वर्ड्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सीरीज़ का पार्ट 4th है। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के नाम से हैं ये सारे सारे वीडियो क्लासेस, आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। और यहाँ पर ये पहला वर्ड है सिंपलिस्टिक। देखिए, सिंपलिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज सिंपलिस्टिक, सिंपल से ये किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेकिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड सीम सिंपल बाय इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट। कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पार्ट को हम इग्नोर करते हुए उसको सिंपल मान रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज सिंपलिस्टिक। सिंपलिस्टिक एंड सिंपल एंड ईजी में क्या मतलब है? देखिए, सिंपल रेफर करता है एक कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिकनेस को सिंपल रेफर करता है। ईजी रेफर करता है उसकी डूइंग को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे कैन बी यूज सिनोनिमसली इन मैनी कॉन्टेक्स्ट बट नॉट ऑल। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सिंपल मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट इज बेसिक बट टू एक्चुअली कैरी इट आउट इज नो वे ईजी। ठीक है, तो जो ईजी है वो उसके करने से संबंधित है, सिंपल कॉन्सेप्ट से संबंधित है। सिंपलिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक इज समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उसको उसको इजी माना जा रहा है, उसको हम इजी मान रहे हैं, तो वो होता है आपका सिंपलिस्टिक। ठीक है, और सिंपल एंड इजी, इसके पहले के जो वीडियो, पहले के जो वीडियो क्लासेस सीरीज की जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, तो उसके वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे ये वर्ड्स हैं, तो ये आपको प्रीवियस मेरे वीडियो क्लासेस में इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो इसलिए इन वर्ड्स को आप ज़रूर देखिए। और यहाँ पर मैं कुछ और वर्ड्स डिस्कस करूँगा, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जैसे डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर पहले पढ़ के बता देता हूँ, द सिचुएशन इन विच समथिंग यूजुअली समथिंग बैड हैपेंस कॉजिंग अदर सिमिलर इवेंट्स टू हैपन। जैसे एक इवेंट हुई और उस एक इवेंट की नकल करके फिर दूसरी इवेंट्स होती जा रही हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में साइकिल्स रखी रहती हैं, तो एक साइकिल गिरती है तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी साइकिल गिरती चली जाती हैं। यानी कोई एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें एक कोई काम होता है, उस काम का, उस एक्शन का बैड इफेक्ट पड़ता जाता है दूसरे पर, दूसरे एक्शंस होते जाते हैं। जैसे जैसे लोन वेवर है, एक स्टेट में गवर्नमेंट ने लोन वेवर दिया तो उसके बाद फिर सारी स्टेट्स लोन वेवर मांगने लगती हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट, द सिचुएशन इन विच समथिंग यूजुअली समथिंग बैड हैपेंस कॉजिंग अदर सिमिलर इवेंट्स टू हैपन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। काफ़ी बार मैंने इस वर्ड को देखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। एंड वो का क्या मतलब है, वो देखिए, एक व्हील एंड वो, एक इडियम भी होता है, व्हील एंड वो मतलब प्लेजर एंड सोरो। तो व्हील का मतलब होता है ग्रेट सोरो, ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, दुख दर्द, परेशानी, चिंता, उसको हम बोलते हैं ट्रबल, उसको हम बोलते हैं वो। और यहां पर आप देख सकते हैं, द एवर्टन टेल ऑफ वो कंटिन्यूड, टेल ऑफ वो, एक दुख भरी कहानी, तो उसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट वर्ड क्या है, मिजरी है, सोरो है, डिस्ट्रेस है, रैचिडनेस है, सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है। ठीक है, तो ये सारे इसके इसके इक्विवेलेंट वर्ड हैं। तो इन वर्ड्स को आप चाहें तो गूगल पर और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ, डिक्शनरी में आप पढ़ सकते हैं। डिक्शनरी रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, उसके उसके थ्रू आप वर्ड्स को यदि सीखते हैं, बहुत इफेक्टिवली आप वर्ड्स को सीख सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है कि एक ही वर्ड के सारे सारे जो जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके नाउन क्या है, इसका इसका एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस दिए रहते हैं, तो डिक्शनरी रीडिंग कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर लर्निंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक ही स्लाइड में मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर हो जाएं। अब यहाँ पर मैं कवर करूँगा एक वर्ड, ऑक्लूड, जिसका मतलब होता है स्टॉप कर देना या ब्लॉक कर देना। ऑक्लूड, OCCLUDE। ठीक है,
बी फाउल का मतलब क्या हो? फाउल मतलब होता है डर्टी, तो मेक डर्टी, किसी चीज को गंदा कर देना, बी फाउल। फ्लिंच क्या है? फ्लिंच को हम बुल्क भी बोलते हैं, हेजिटेट। देखिए एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्क इसका उच्चारण है। फ्लिंच का मतलब हेजिटेट होना, ठीक है। ही बुल्क एट सच ए ड्रास्टिक सोल्यूशन। एस क्यू का मतलब भी अवॉइड होता है, एस क्यू अवॉइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बी फाउल का मतलब गंदा करना, ऑक्लूड का मतलब ब्लॉक करना होता है, फ्लिंच का मतलब बुल्क या हेजिटेट होता है। तो इस तरीके से ये हाईली यूजफुल वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स और देखते हैं। रीगेल क्या मतलब है इसका? रीगेल का मतलब अपनी टॉकिंग से किसी को एंटरटेन करना। यहां पर आप देख सकते हैं, एंटरटेन और अम्यूज समवन विद टॉक, एंटरटेन और अम्यूज समवन विद टॉक, रीगेल, ठीक है। और यहां पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने दिया है, ही रिगेल्ड हर विद ए कलरफुल अकाउंट ऑफ दैट आफ्टरनून्स मीटिंग। तो इसका मतलब होता है एंटरटेन करना, अम्यूज करना और डिलाइट करना अपनी बातों से, तो दैट इज रीगेल। एब्ज्यूर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलिंक्विश, रिनाउंस यानी त्यागना, रिलिंक्विश करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। इसको हम डिस्पेंस विद भी बोलते हैं। फॉरगो का मतलब भी त्यागना होता है, फॉरगो। और गेन से तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है ये वर्ड। तो एब्ज्यूर का मतलब त्यागना है, रिनाउंस है, लेकिन डिनाउंस से ये अलग है, डिनाउंस क्रिटिसाइज होता है, रीगेल अम्यूज होता है, ठीक है। फॉरगो भी त्यागना होता है, फॉरगो, ठीक है। तो ये दो वर्ड हैं और एक ये नेक्स्ट वर्ड है, इसको हम पढ़ेंगे विशिएट। विशिएट, VITIATE, विशिएट। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय और इम्पेयर द लीगल वैलिडिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लीगल वैलिडिटी को ख़त्म कर देना। तो इसको आप सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। विशिएटेड मतलब एक सिंपल सा मीनिंग है इसका, डिस्ट्रॉय कर देना उसको, उसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देना। इफेक्टिवनेस को हम एफिकेसी भी बोलते हैं, एफिकेसी। सेंक्टिमोनियस, ये भी एक अच्छा वर्ड है, और क्या मतलब है इसका? अपने आप को सुपीरियर मानना, ठीक है, जिसको हम स्मग बोलते हैं, स्मग। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर पीपल, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर पीपल, इसको हम बोलते हैं सेंक्टिमोनियस। व्हाट हैपेंड टू ऑल द सेंक्टिमोनियस टॉक अबाउट पुटिंग हिज फैमिली फर्स्ट, ठीक है। सेंक्टिमोनियस टॉक, सुपीरियर टॉक, जिसमें आप अपने आप को करेक्ट मानते हैं, इसको हम होलियर देन दाऊ भी बोलते हैं, इसको हम पियटिस्टिक भी बोलते हैं, इसको हम देखिए एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंक्टुअस, सेंक्टिमोनियस एंड अंक्टुअस, स्मग, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है। एंड देखिए ये वर्ड पूछा गया है एग्जाम में, कई बार आया है, मीली माउथ, SSC में पूछा गया है ये, मीली माउथ, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, सुपीरियर समझना अपने आप को। और प्रिगिश भी इसके लिए एक वर्ड है, प्रिगिश, तो ये भी एक वर्ड है सेंक्टिमोनियस के लिए। चलिए कुछ वर्ड और देखते हैं। स्वॉर्म, स्वॉर्म का मतलब क्या है? मूव समवेयर इन लार्ज नंबर्स। ये जो मधुमक्खी का जो झुंड होता है उसको भी हम स्वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है, मूव समवेयर इन लार्ज नंबर्स। प्रोटेस्टर्स वर स्वॉर्मिंग इन टू द बिल्डिंग, दे वर मूविंग देयर इन टू द लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर स्वॉर्म। तो फ्लॉक, इसके लिए एक वर्ड है थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब भी क्राउड होता है, इसको आप नाउन एंड वर्ब दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्ज, फ्लड, एक बाढ़ आ जाना, फ्लड, ठीक है। स्वॉर्म, प्लम का मतलब किसी चीज को मेजर करना, जैसे प्लमर होता है हमारे घरों में, ठीक है, टेस्ट करना, प्लम। मेजर द डेप्थ ऑफ ए बॉडी ऑफ ए वॉटर, मेजर, टेस्ट भी होता है इसका मतलब। और इल्क, इसका मतलब होता है टाइप या क्लास, किसी भी चीज का टाइप या क्लास, उसको हम बोलते हैं इल्क। कुछ वर्ड्स और डिस्कस करते हैं। पुश ओवर क्या मतलब है इसका? अ पर्सन हु इज इजी टू ओवरकम और इन्फ्लुएंस, अ पर्सन हु इज इजी टू ओवरकम और इन्फ्लुएंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं पुश ओवर। कर्नल मूरे वॉज बेनीवोलेंट बट नो पुश ओवर, वो बेनीवोलेंट तो थे कर्नल मूरे, लेकिन वो पुश ओवर नहीं थे, उनको आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता था, तो दैट इज पुश ओवर, ठीक है। या एक ऐसे व्यक्ति को भी हम बोल सकते हैं जिसका जिसका जीतना बहुत मुश्किल है किसी कंपटीशन में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फीबल अपोनेंट या अनवर्दी अपोनेंट, ठीक है। नॉट ए फोर्स टू बी रैकन विथ, नॉट ए फोर्स टू बी रैकन विथ,
एंड वीक लिंक, वीक लिंक पुशओवर ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं। इसके बाद एक फ्रेजल वर्ब है यहां पर टच ऑफ, प्रवोक कर देना, किसी को भड़का देना, उसको हम बोलते हैं टच ऑफ। सैडल का मतलब क्या है? बर्डन समवन विद एन ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बर्डन समवन विद ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को बर्डन कर देना, उस पर एक बोझ लाद देना, उसको हम बोलते हैं सैडल। और यहां पर आप देख सकते हैं बर्डन, देखिए एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्बर, किसी को बर्डन कर देना, किसी पर बोझ लाद देना, उसको हम बोलते हैं इनकम्बर, या वे डाउन, एक एक वजन से उसको दबा देना, वे डाउन या इनकम्बर भी इसको हम बोलते हैं। तो हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स और देखते हैं हम। डू डेट क्या है? व्हाट इज डू डेट? अ गैजेट और अदर ऑब्जेक्ट हुज नेम द स्पीकर डजेंट नो और कैन नॉट रिकॉल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा गैजेट जिसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, उसको आप गैजेट डू डेट बोल सकते हैं। ये कुछ नए वर्ड्स हैं, ठीक है। डू डेट, अ गैजेट और अदर ऑब्जेक्ट्स हुज नेम द स्पीकर डजेंट नो, द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डू डेट्स, गैजेट्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, डू डेट। पेल्ट, स्टोन पेल्टिंग आपने सुना होगा, पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग, वहीं से ये वर्ड आया है। पेल्ट डाउन मतलब तेजी से किसी चीज का नीचे आना, भारी बारिश होना या किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना, तो दैट इज पेल्ट डाउन, पेल्टिंग डाउन, ठीक है। पेल्टिंग हम पत्थरबाजी को बोलते हैं। वॉच योर सिक्स का मतलब है अपने बैक को देखना। वॉच योर सिक्स, ये घड़ी में से ये लिया गया है, जो घड़ी होती है तो उसमें से ये 12 बजे की पोजीशन है और ये सिक्स, 6 o'clock की पोजीशन है ये, तो इसका मतलब होता है कि अपने बैक की तरफ देखना, वॉच योर सिक्स। और बी ऑन एज का मतलब होता है टेंस या नर्वस होना, ठीक है, इरिटेबल होना, टेंस या नर्वस होना। तो इस तरीके से इस सीरीज में मैं सारे वर्ड्स आपको सिखा रहा हूँ जो हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स बैंकिंग, SSC, NDA, CDS इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंग्लिश सेक्शन में एक प्रोफिशिएंसी इससे आएगी आपको, और इंग्लिश सेक्शन में एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका डर दूर होगा इंग्लिश सेक्शन का इन सभी वर्ड्स से, कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच मैं दे रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में एटलीस्ट 20 मैं वीडियो क्लासेस अपलोड करूँगा, और ये 20 वीडियो क्लासेस में करीब करीब मिनिमम से मिनिमम आपके 500 to 600 वर्ड्स, हाईली यूजफुल वर्ड्स आपके रहेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ को देखें मेरे चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर, एंड हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के नाम से ये सीरीज़ है, इसको आप देखें, इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि आप उससे लाना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और मेरा रेफरल कोड वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, बसंत सिंघल 2210। इस रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में सारे PDFs भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स उसमें रहते हैं, ठीक है। और कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, यदि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक के लिए, SSC के लिए, तो इसके लिंक्स भी मैंने नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सबसे ऊपर ही इसका लिंक है, तो वहाँ से इन सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हाईली यूजफुल ये टेस्ट सीरीज़ हैं, मेरी ही टेस्ट सीरीज़ हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।